बार फिर से स्वागत है आपका होम एंड कुकिंग ब्लॉग में। तो चलिए आज फिर मैं आपके साथ एक नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल के बच्चे मेकअप में कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं, तो मेरी लड़की 8 साल की है और उसे मेकअप करने में बहुत अच्छा लगता है। तो उसने ज़िद की है कि आज वो मेरा मेकअप करेगी। तो उसे मैंने डेली मेकअप के ही प्रोडक्ट दिए हैं जो हम लोग डेली रूटीन में काम में लेते हैं मेकअप के लिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि वो मेरा कैसा मेकअप करती है, फनी करती है या फिर अच्छा करती है। तो वो जैसा भी मेकअप करेगी मैं आप लोग साथ उसे वीडियो के अंत में शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं फिर कि वो मेरा कैसा मेकअप करती है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पे मैं रोज़ वाटर लगा रही हूँ। रोज़ वाटर स्किन के लिए अच्छा होता है तो मैंने इसलिए रोज़ वाटर लगाया है। अब मैं उसे अच्छे से मिला रही हूँ रोज़ वाटर को सारी स्किन पर। मेरी लड़की सिर्फ 8 साल की है लेकिन उसे मेकअप करना बहुत पसंद है। आजकल आप जानते ही हैं बच्चे लोगों का नई नई चीज़ें वो भी सीखना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर क्रीम लगा रही हूँ, फेस क्रीम। ये एक मैं प्राइमर के तौर पे, मॉइस्चराइज़र के तौर पे लगा रही हूँ। मुझे डेली रूटीन की इसलिए मैंने क्रीम लगाया है मॉइस्चराइज़र और प्राइमर की जगह पे। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने हाथों से। अब मैं पाउडर लगा रही हूँ तो फिनिशिंग आएगी, इसलिए मैंने पाउडर लगाया है यहाँ पे। मैंने हाथों से पहले पाउडर अपने हाथ पे लेकर लगाया, चेहरे पे लगाया। ये मुझे भी नहीं पता कि मेरा कैसा मेकअप होने वाला है। मैं देख भी नहीं पा रही हूँ, मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं है मेकअप कैसा हो देखने में। अब मैं उसे ब्रश से मिला रही हूँ। पाउडर मैंने ध्यान दिया है कि पाउडर प्रोडक्ट सारे चेहरे पे अच्छे से लग जाए, कहीं कभी वो अलग कलर और कहीं कभी उसे पाउडर का वाइट सा कलर ना दिखे, इसलिए मैंने उसे अच्छे से मिला लिया है। मैंने पाउडर मिलाया, पाउडर लगाने के बाद मैं थोड़ा सा और पाउडर लगा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पाउडर नहीं लगा था, इसलिए मैंने वहाँ पे पाउडर लगाया। अब मैंने अच्छे से सारे फेस पे पाउडर को मिला लिया है अपने हाथों से। अब मैं लिप ऑयल लगा रही हूँ। जब मैं लिपस्टिक लगाऊँ तो स्किन थोड़ी ड्राई ड्राई सी हो जाए, लिप्स सॉफ्ट हो जाए, इसलिए मैंने पहले लिप ऑयल लगाया है, उसके बाद मैं एक लिप बाम लगाऊँगी। ये मैं पता नहीं क्या कर रही थी। अब ये मैंने लिप बाम लगाया है के बाद अब मैंने लिप बाम लगा दिया है। मुझे भी लग रहा है कि मेकअप का और फनी ज़्यादा होगा। चलिए देखते हैं। अब मैं इसके बाद एक मैरून शायद मैरून का मिक्स कलर की आई शेडो लगा रही हूँ। उसको मैं प्रॉपर इनर कॉर्नर से लगाई है।
अब मैं दूसरी आँख पे वही आई शैडो लगा रही हूँ। मैंने सेम तरीके से सेकेंड आई पे भी वैसे ही सेम टू सेम वही आई शैडो लगा रही है। अब मैं वही आई शैडो थोड़ी लिड पे ब्लेंड कर रही हूँ। ये सेम आई शैडो है। मैंने अच्छे से लिड पर ब्लेंड कर दिया है। अब मैं ब्लैक कलर को ब्लैक कलर के काजल को लेकर लिड पे लगा रही हूँ। क्योंकि ब्लैक आई शैडो इतना ब्लैक नहीं है पैलेट में, इसलिए मैंने काजल का इस्तेमाल किया। मैंने दोनों लिड पर काजल लगा दिया है। अब मैं उस काजल को ब्लेंड कर रही हूँ उसी सेम ब्रश से। मैंने ऊपर की तरफ ब्लेंड किया है, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ ब्लेंड किया है अच्छे से। अब मैं दूसरी लिड पर वही ब्लैक काजल अच्छे से ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मैं ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने ब्लेंड कर दिया है पर सेकेंड थोड़ा कम था, इसलिए मैंने वहाँ पर थोड़ा और काजल लेकर ब्लेंड किया है। तो अब यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर दिया है। अब मैंने जो आई शेडो सबसे पहले लगाए थे इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर तक, वही मैं सेम आई शेडो लगा रही हूँ। अब मैं ब्लैक कलर की आई शैडो लेकर आउटर कॉर्नर पे टैप टैप करके लगा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे ब्लश लगा दिया है रेड कलर का। सॉरी मैंने गलत बोला, मैं बेकिंग कर दी थी। बेकिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने पाउडर लगा दिया आई के नीचे। अब मैंने उसे छोड़ दिया, तब तक मैं नेक पे पाउडर लगाने लगी। मैंने नेक पे पाउडर अब लगा दिया। अब मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ। सारे फेस पे मैंने थोड़ा सा डार्क कलर की कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दिया।
अब मैं फोरहेड पे ब्लेंड कर रही हूँ वो पाउडर, कॉन्टैक्ट पाउडर। अब मैंने कॉन्टैक्ट पाउडर नोज पे लगाया और सारे फेस पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ इस ब्रश की हेल्प से। अब मैंने जो करने के लिए पाउडर लगा था वो मैं अब वो बेकिंग करने ब्लू पाउडर वो पाउडर हटा रही हूँ। दोनों तरफ से मैंने अच्छे से पाउडर हटा दिया है। पाउडर हटाने के बाद मैंने थोड़ी बाल सीन की थी अब मैं यहाँ पर रेडिश कलर का ब्रश लगा रही हूँ। मैंने दोनों तरफ अच्छे से ब्रश लगा दिया है। अगर आप स्माइल करके लगाएंगे ब्रश तो आपको पता चलेगा आपको ब्रश कहाँ लगाना है। अब मैं उसके ऊपर थोड़ा लाइट कलर का कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ब्लश थोड़ी ज़्यादा डार्क लग रही है इसलिए। अब मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से लिपस्टिक लगा रही हूँ। पहले मैंने आउटलाइन बनाई प्रॉपर लिप्स पे, फिर मैंने उन आउटलाइंस को फिलिंग कर दिया। अब मैं ये फिल कर रही हूँ लिपस्टिक इस आउटलाइन में लिप्स। बेबी पिंक टाइप की लिपस्टिक लगाई है। लिपस्टिक लगा दी है। अब मैं यहाँ पे बिंदी ढूंढ रही थी जो मुझे मिल नहीं पा रही थी। अब मुझे बिंदी मिल गई तो मैंने बिंदी लगा दी है। मैंने मम्मी को मिरर दिया है। हो गया तो चलिए ये रहा मेरा मेकअप और ये डन हो गया है। तो अब मैं देख सकती हूँ इसने मुझे मिरर दिया है और मैं देख सकती हूँ कि इसने मेरा कैसा मेकअप करा है। तो चलिए मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ इससे मेरा मेकअप कैसा है, मुझे कैसा लग रहा। तो ये देखिए मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन इसने फिर भी लिपस्टिक सही लगाई है, आई शैडो सही लगाई है, बिंदी सही लगाई है इसने और बाकी भी इसने थोड़ी बहुत अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की है। तो चलिए आप लोग आगे फिर बताइए कमेंट करके कि आप लोग को मेरा मेकअप कैसा लगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।